छिंतल की घटना स्थल इस्पापुर का प्रशासनिक अधिकारियों ने किया मुआयना। नावकोठी बेगूसराय संवाददाता। थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्पापुर के निकट छिंतल एवं चाकूबाजी कर घायल करने की घटना में सदर अस्पताल बेगूसराय में पीड़ितों के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर 5 अज्ञात के खिलाफ नावकोठी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी के आलोक में इस्पापुर पर घटित घटना का अनुसंधान पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा सोमवार को किया गया। विदित हो कि शनिवार को थाना के इस्पापुर के निकट बेखौफ बदमाशों ने 3 लोगों के साथ छिंतई में असफल हो जाने पर चाकू से गोदकर जख्मी कर दिया था। घायल युवक दिनदारी थाना के मोदीपुर के दिलकृष कुमार, सिंधु कुमार और बिट्टू कुमार साहब है, जिसमें सिंधु कुमार की स्थिति नाजुक बताई जाती है। उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। इसी सिलसिले में थानाध्यक्ष दिनेश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी चिरंजीव पांडे, बिजली विभाग के कनीय अभियंता नीरज कुमार, प्रखंड उपप्रमुख नंद किशोर पासवान आदि के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विदित हो कि इस पुल से सैकड़ों की संख्या में 2-चक्का, 4-चक्का वाहन और पैदल यात्री जिला मुख्यालय बेगूसराय की ओर जाते हैं। इस पुल के अप्रोच पथ एवं आसपास बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण असामाजिक तत्व अंधेरा का लाभ उठाकर छिंतई व मारपीट की वारदात कर क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया है। पुल के आसपास बिल्कुल सूना स्थान है। पुल निर्माण के समय से ही लाइट लगवाने की मांग क्षेत्र के ग्रामीणों की थी। घटना स्थल पर निरीक्षण के दौरान वीडियो के द्वारा लाइटिंग की व्यवस्था करने हेतु कनीय अभियंता बिजली विभाग नावकोठी से कहा गया। वहीं हसनपुर बागर के मुखिया विजय पासवान व उत्तरी कतरमाला सिसोनी के मुखिया इंद्रदेव राय से भी लाइटिंग की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। इस दौरान रजाकपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुकेश कुमार, स्वच्छता पर्यवेक्षक अशोक ठाकुर आलम, सशस्त्र पुलिस बल के जवान सहित दर्जन अधिक ग्रामीण मौजूद थे। होकर के बंगला यही करते हैं, लेकिन वो काफ़